Hi guys, in this video I'm going to be talking about ChatGPT and how to make money from it. कुछ दिनों से आपने ChatGPT के बारे में बहुत कुछ सुना होगा. It's an artificial intelligence platform that can help you do a lot of things. Trust me, ये बहुत सारी चीजों में आपकी मदद कर सकता है and you don't even know about it. अगर आप इसको already use नहीं कर रहे हैं, you are missing out on a lot of money and a lot of help for free. अगर आप इस चैनल पे नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. मेरा नाम छवि है और मैं वर्क फ्रॉम होम ऑन ऑनलाइन बिजनेसेस के बारे में बात करती हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज टू गो टू openai.com, क्लिक ऑन ट्राई चैट जीपीटी, साइन अप, एंटर योर ईमेल एड्रेस. यू गॉट टू वेरीफाई योर ईमेल, सो यू हैव टू ओपन योर जीमेल. So you have to give your name, your phone number. They are going to send you a code on your phone. So we are going to put that in. So that's done. And here is your ChatGPT. Okay, so the first thing that you can do with ChatGPT is use it in your freelancing business and reduce the amount of time that you take to create stuff. ठीक है, इसका मतलब है कि आप चैट जीपीटी यूज करके अपना टाइम कम कर सकते हो टू जेनरेट कॉन्टेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स. सो पहले हम रिटन कॉन्टेंट की बात करेंगे. तो अगर आप फ्रीलांस राइटर हो, कॉपी राइटर हो, अगर आप एड कॉपी लिख रहे हो, सोशल मीडिया मैनेजर हो और आपको सोशल मीडिया की कॉपीज लिखनी है, पिंटरेस्ट के लिए इंस्टाग्राम कैप्शंस लिखने हैं, या आप ईमेल कॉपी राइटर हो अगर आपको ईमेल्स लिखने हैं, तो ये चैट जीपीटी आपके लिए बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है और आप जो भी लिखने का टाइम होता है उसको कट शॉर्ट कर सकते हैं. सो लेट मी जस्ट शो इट टू यू. सो लेट्स से दैट अगर आप लिख रहे थे कंटेंट ऑन टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, सो यू आर गोइंग टू पुट अ कमांड सेइंग राइट अ 1000 वर्ड आर्टिकल on time management tips for remote work. ठीक है, ये बहुत ही specific commands हैं. So आपको सोचना पड़ेगा कि आप जो चीज़ को achieve करना चाहते हैं उसके लिए कौन सी specific command आप ChatGPT को देंगे. So let's say कि अगर मुझे 1000 word article लिखना था on time management tips for remote workers, I'm going to put that and press an enter. And it's going to generate content for me. You can see that on the screen right now. It's generating a 1000 word article for me. इसकी ये beautiful सी बात है that whatever content that ChatGPT contains is plagiarism free. So आप इसको ना different platforms पर check कर सकते हो कि ये plagiarism है या नहीं है. So मैं दो चीज़ें use करती हूँ to check the plagiarism count. And one is Grammarly Premium and the second one is Copyscape. तो हम इसको दोनों में एक बार चेक करेंगे और देखेंगे कि ये इसमें कोई भी प्लेजरिज्म है या नहीं है. ओके ओके, तो ये कंप्लीट हो गया. तो लेट मी जस्ट ओपन ग्रामरली एंड कॉपीस्केप. आई एम गोना कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हियर. डन. Go here, check on the plagiarism. So it shows that you have 12% plagiarism on this. So ये थोड़ा सा ज़्यादा है. You can go and check out कि क्या चीज़ें plagiarized हैं and you can rewrite them according to you. I'm going to copy it on Copyscape and I'm going to run a premium search. You can see कि यहाँ पे कोई आर्टिकल है हाउ टू मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी एज अ मेडिकल राइटर, जहाँ पे से कुछ कॉपी हुआ है. जस्ट वांट टू कंपेयर टेक्स्ट. द पेज बिलो हैज 48 वर्ड्स मैचिंग 10% ऑफ द टेक्स्ट. सो आप देख सकते हो कि क्या हुआ है. सो हियर आर सम टिप्स. तो बहुत ही कॉमन है, क्रिएट स्केड्यूल तो बहुत ही ऑब्वियस सा है. इट्स इंपॉर्टेंट टू हेल्प यू स्टेट टूल्स अवेलेबल दैट कैन हेल्प यू. देखो यहाँ से बहुत कुछ कॉपी हो गया है. इट एक्चुअली फील्स लाइक ये थोड़ा सा प्लेजराइज है. सो व्हाट यू डू इज टू राइट इट डाउन इन योर ओन वर्ड्स. तो आप वो कर सकते हो. सो आप देख रहे हो
लाइक अगर आपको कोई आर्टिकल लिखना है, अगर आप फ्रीलांस राइटर हो और अपने क्लाइंट्स के लिए कोई आर्टिकल लिख रहे हो, सो यू कैन यूज चैट जीपीटी टू जनरेट अ बेसिक आउटलाइन. उस बेसिक आउटलाइन के बाद यू कैन ऐड स्टफ, ऐड योर एक्सपीरियंस, ऐड योर इनपुट्स टू मेक इट अ फुलर आर्टिकल. लेकिन आप कभी इस पर एकदम रिलाई मत कर लेना, एंड डोंट जस्ट कट कॉपी पेस्ट, बिकॉज इसमें बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, इसमें बहुत सारी मेडअप इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, एंड एज यू सॉ इसमें से बहुत कुछ प्लेजराइज भी हो सकता है. इसीलिए ऑलवेज डू योर चेक. और आप इसको सिर्फ कट कॉपी पेस्ट की तरह मत यूज करो, आप इसको एक बेस लाइन की तरह से लो, सो दैट इट कैन हेल्प यू डिलीवर फास्टर रिजल्ट, राइट. तो अगर आप राइटर हो तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हो. सिमिलरली अगर आप ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हो एंड यू वॉन्ट टू जनरेट कॉन्टेंट, यू कैन यूज चैट जीपीटी टू क्रिएट दिस बेसिक आउटलाइंस, ठीक है. अब सपोज आप एक सोशल मीडिया मैनेजर हो और आपको कैप्शन लिखना है, सो वी आर गोइंग टू ट्राई हाउ यू कैन राइट इंस्टाग्राम कैप्शन, एंड इसमें ये कैप्शन कैसे लिखता है और कितने अच्छे होते हैं. I am also looking forward to reading that. So write an Instagram caption for a post on freelance writing tips. So it is creating a okay. This is actually pretty great, right? See, मैंने डाला था कि write an Instagram caption for a post on freelance writing tips. तो इसने मुझे ये आउटपुट दिया है, feeling overwhelmed as a freelance writer, here are a few tips to help you stay organized and top of your projects. उसके बाद इसने 7, 8, 9, 10 चीजें लिस्ट करी है, plus it has given me hashtags also. So ये तो बहुत ही अच्छी चीज है. If you're a social media manager और आपको थोड़ी सी creativity या writer's block हो गई है, so you can use this to develop and create your basic stuff and then work off it. Similarly, let's say that आप एक email copywriter हो और आप सोच रहे हो कि आज क्या email भेजा जाए अपनी email list को, या आपके client ने आपको कुछ work दिया है, so write a 200 word email on, let's say, my surfing experience in India. ये थोड़ा सा tricky है because this is a very specific request of talking about my surfing experience in India. तो इसके लिए अगर उसके पास information नहीं है so बहुत ही bullshit answer generate होने वाला है, but that's what is fun, right? So let's see. Hi name, I just want to share with you my amazing surfing experience in India. Okay, it knows I recently went on a trip to the southern coast of India and had an opportunity to try surfing for the first time. The waves were perfect and the water was crystal clear. I was a little nervous at first, but the instructors were so patient and helpful, and that is definitely something I would write. Oh my god, this is actually pretty great as a starting point. Because I was thinking that I'm going to send an email about my surfing experience in Mulki, Karnataka. I think it's a very good starting point where I can take this and add all the information about my surfing experience, right? It's a very first draft actually. So if you're an email copywriter, you definitely can use it. Okay, so that is about content writing. Okay, now the second way you can use this is to generate small tools or to help you program or code stuff. Okay, so this is not just to create content, लेकिन आप इसके साथ कुछ ऐसा create कर सकते हो that can help you gain a lot of subscribers, readers, या फिर it can help you with a lot of customers in the future. So ये बहुत ही abstract लग रहा है अभी मैं बात कर रही हूँ इस चीज़ के बारे में, but let me tell you that अगर आप इसको एक बहुत छोटी सी चीज़ बोलोगे, so let's say generate code to calculate GST on services, ऐसा कुछ, so it will create a Python code. You can see it on the screen that it is creating an example of a code in Python that calculates GST on a service. So आप इसको modify कर सकते हो जैसे आप चाहो, and it will create a calculator for you to calculate GST कितना लगा. Isn't that amazing? So आप ऐसे ना बहुत सारी small चीजें बना सकते हो जो कि लोग
ढूंढ रहे हैं बट है नहीं. सो फॉर एग्जाम्पल जीएसटी कैलकुलेटर फॉर फ्रीलांसर्स, ऐसा तो कोई कैलकुलेटर ही नहीं है दैट कैलकुलेट्स जीएसटी फॉर फ्रीलांसर्स. तो फॉर एग्जाम्पल आप वो बना सकते हो यूजिंग चैट जीपीटी. द सेकेंड थिंग दैट यू कैन मेक इज क्रोम एक्सटेंशन. अब क्रोम एक्सटेंशन बिजनेस तो बहुत ही बड़ा है. इनफैक्ट अगर आप मेरा क्रोम देखोगे तो इट हैज़ मोर देन 100 एक्सटेंशन. अभी मैंने रिसेंटली ही बहुत सारे एक्सटेंशन डिलीट किए हैं. बट इफ यू कैन कम अप विद एन एक्सटेंशन दैट कैन हेल्प पीपल, ये भी आप बना सकते हो चैट जीपीटी की यूज़ कर. क्रिएट अ क्रोम एक्सटेंशन टू कैलकुलेट वर्ड्स ऑन अ वेब पेज. बट यू कैन सी दैट यू नो काफी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं. यूज जेसन, एचटीएमएल एंड अ जावास्क्रिप्ट. काफी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं आपको टू क्रिएट योर क्रोम एक्सटेंशन व्हिच इज प्रीटी ग्रेट. सो द सेकेंड थिंग दैट यू कैन यूज चैट जीपीटी फॉर इज टू क्रिएट दीज स्मॉल थिंग्स, टू क्रिएट क्रोम एक्सटेंशंस या छोटे छोटे चीजें लाइक कैलकुलेटर्स एंड देन प्रमोट इट टू योर ऑडियंस. The third thing that you can do with this is to help you publish self-published books. आप बहुत सारे categories ले सकते हो but let's take a creative category, क्योंकि children's book बनाना थोड़ा सा ज़्यादा आसान होता है. या फिर children's book बनाना थोड़ा सा आसान होता है, थोड़ी creative stories होती हैं, moral stories होती हैं. So let's just write a 500 word moral story for a 5-year-old kid. ये बहुत ही generic सा command है, but let's see what ChatGPT comes up with. Okay. To appreciate the beauty and importance of all the living things. And he became an avid nature lover. That is a great story. That is a story that I would definitely read to my 5-year-old. Let's try one more thing. Write a 200-word story about a prince and princess for a 5-year-old girl. I know, bahut cliche tha. But let's see what ChatGPT comes up with. I'm very interested and I'm very surprised at this level of artificial intelligence. ये बहुत amazing भी है और बहुत scary भी है. So you can read it on the screen right now. It's a lovely story. And you know you can always take this as a base and refine it in your own words. And create a bunch of these stories and self-publish on Amazon, which can help you make money. So the next thing we are going to try is a little, I have not tried that with ChatGPT yet. We are going to create a YouTube video. Create a YouTube video on how to use ChatGPT. We are going to create a 1-minute YouTube video. Okay, it has actually given me a script which I could have used. I actually went and researched and made my own notes for this entire YouTube video. But मुझे तो यही use कर लेना चाहिए था. This is pretty great. अगर आपको एक YouTube video बनाना है, so what you can do is to start with a script, right? वो script बनाना बहुत बार बहुत difficult हो जाता है if you have creative blog या आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप start कहाँ से करो. In that case, आप चैट जी पी टी यूज़ कर सकते हो टू क्रिएट योर बेसिक आउटलाइन एंड देन यू कैन एड स्टफ एंड रिफाइन द स्क्रिप्ट. सो वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज आप जिसको जितना स्पेसिफिक कमांड दोगे उतना ही स्पेसिफिक आउटपुट आएगा. सो यू नीड टू बी वेरी क्रिएटिव इन वॉट यू आर पुटिंग टू जनरेट द प्रोसेस एंड जनरेट द आउटपुट. तो आप जितने क्रिएटिवली डालोगे उतना ही क्रिएटिव रिस्पॉन्स आपको चैट जी पी टी देगा. आप देख सकते हो कि यू कैन डू दिस. आपने स्क्रिप्ट क्रिएट कर लिया, फिर समथिंग लाइक पिक्टोरी यूज करके आप एक फेसलेस यूट्यूब वीडियो बना सकते हो. अगर आपको ये आइडिया अच्छा लग रहा है तो आई कैन एक्चुअली मेक अ सेपरेट वीडियो टॉपिक हाउ टू मेक अ यूट्यूब वीडियो यूजिंग चैट जीपीटी एंड अ फ्यू अदर एप्स लाइक पिक्टोरी. अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है सो जस्ट लीव अ कमेंट बिलो एंड लेट मी नो एंड आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन इट.
एक्सप्लेनिंग स्टेप बाय स्टेप कि आप कैसे यूज कर सकते हो। अगर आप ग्राफिक्स डिजाइनर हो तो मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग चीज है। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टेबल डिफ्यूजन व्हिच इज आल्सो एन एआई। सो मैंने यूज नहीं किया है फॉर व्हाट आई एम गोइंग टू ट्राई। लेट मी सी अ प्रिंस एंड अ प्रिंसेस। आई नो बहुत क्लीशे था बट आई पुट इन अ प्रिंस एंड अ प्रिंसेस क्योंकि अगर आप चिल्ड्रंस बुक बना रहे हो, अगर आप फिक्शन बना रहे हो यूजिंग चैट जीपीटी, वॉट यू कैन डू इज टू यूज स्टेबल डिफ्यूजन एंड क्रिएट पिक्चर्स फॉर इट। तो आपकी बुक्स में सिर्फ क्रिएटिव स्टोरीज ही नहीं, बहुत ही क्रिएटिव पिक्चर्स भी हो सकती है यूजिंग एआई, यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप यहाँ से प्रिंस प्रिंसेस बनाओ, कैसल बनाओ, बहुत सारी चीज़ें बनाओ यूजिंग स्टेबल डिफ्यूजन एंड क्रिएट योर स्टोरीज विद चैट जीपीटी। ओके, सो यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन कि आपके पास क्या आया है। दीज आर प्रिटी डिसेंट। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट चैट जीपीटी एंड हाउ यू कैन मेक मनी यूजिंग चैट जीपीटी। तो आप देख सकते हो चैट जीपीटी बहुत ही क्रिएटिव सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसको आपको थोड़ा सा संभाल के यूज करना है बिकॉज देर आर एक्यूरेसी इशूज, there are plagiarism issues and Google can detect AI content and Google is not very pro AI content. इसीलिए आप इंश्योर करो कि वॉट एवर ए आई कॉन्टेंट दैट यू आर जनरेटिंग यू यूज इट एज अ बेस लाइन और उस पर आप बिल्ड कर रहे हो, उस पर आप ऐड कर रहे हो, अपनी क्रिएटिविटी ऐड कर रहे हो, तभी इट कुड लीड टू समथिंग फ्रूटफुल। बट क्योंकि चैट जी पी टी नया है, पीपल डोंट नो हाउ टू यूज चैट जी पी टी, आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम। आप चैट जी पी टी पर जाओ, साइन इन करो, लॉग इन करो एंड try out the things that ChatGPT can do and come up with creative ways you can make money online with ChatGPT right now. क्योंकि अगर बहुत सारे लोग इस platform को use करने लगेंगे तो it will become very competitive and then everything, every other thing would be explored और आपके पास जो अभी मौका है that you will lose. इसलिए just go sign up on ChatGPT and see how you can use it for your business or to create a new business. And if you like this video, do leave me a comment, like and please do subscribe to my channel and I'll see you next week guys. Bye bye.